हेलो एवरीवन, मैं हूं रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कि कैसे फाउंडेशन अप्लाई किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और कैसे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी आप लोग फ्लॉलेस और नेचुरल लुक पा सकते हो। गाइज, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको फाउंडेशन अप्लाई करना नहीं आता है, ब्लेंड करना नहीं आता है ठीक से, या फिर फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी जिनका फेस एकदम डल आर्टिफिशियल लुक देता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है, या तो वो ठीक से ब्लेंड नहीं हो रहा है या फिर वो आर्टिफिशियल लुक दे रहा है। सो मैंने ऐसा कुछ टिप्स फॉलो किया है जिसकी वजह से मुझे वो प्रॉब्लम आज नहीं फेस करना पड़ रहा है, वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो अभी मैं जो फाउंडेशन यूज कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का ट्रू मैच बीबी क्रीम, जो एकदम फाउंडेशन जैसा ही कवरेज देता है। इसीलिए मैं फाउंडेशन से ज्यादा बीबी क्रीम पसंद करती हूँ, क्योंकि बीबी क्रीम भी फाउंडेशन जैसा ही कवरेज देता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले क्या क्या करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वेट कर लिया है। अभी मैं सेटाफिल जेंटल स्किन क्लींजर से अपने फेस को क्लीन करूंगी। सेटाफिल स्किन क्लींजर बहुत ही माइल्ड क्लींजर है, इसलिए ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एकदम परफेक्ट क्लींजर है। अभी मैं इस क्लींजर के हेल्प से अपने फेस का सारी डर्ट एंड ऑयल को रिमूव कर लूंगी। देन उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर के हेल्प से अपने फेस को वॉश करूंगी। गाइज, मैंने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अभी मैं फेस स्क्रब करूंगी। स्क्रब के लिए मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का टैन रिमूवल स्क्रब। गाइज, फ्लेकी और अनइवन स्किन में फाउंडेशन अच्छे से सेट नहीं होता है, इसीलिए वीक में 2 to 3 टाइम्स फेस एक्सफोलिएट करना जरूरी है, ताकि फेस आपका स्मूद एंड इवन दिखे। गाइज, मैं यहाँ पे बायोटिक का रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी स्क्रब यूज कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से फेस बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए आपको थोड़ा सा माइल्ड स्क्रब यूज़ करना चाहिए। और एक बात गाइज मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, जब भी आप स्क्रबिंग करोगे फेस में तभी बहुत ही जेंटली करना, क्योंकि फेस का स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर आप उसमें ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो आपका स्किन हार्म हो सकता है, तो प्लीज़ स्क्रबिंग के टाइम में ये बात ज़रूर अपने दिमाग में रखना। गाइज, फेस वॉश के बाद मैं यूज़ करूँगी टोनर। टोनर में मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम टोनर, और ये एक अल्कोहल फ्री टोनर है। दोस्तों, फेस वॉश या फिर फेस स्क्रबिंग के बाद टोनर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टोनर आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और बाहर का जो पॉल्यूशन और डर्ट है उसे आपके स्किन के अंदर नहीं जाने देता है। गाइज, मैं इस टोनर को एक कॉटन बॉल के हेल्प से अपने फेस और नेक में अप्लाई कर रही हूँ, देन उसके बाद इसे एब्जॉर्ब होने दूंगी। गाइज, टोनर के बाद अभी मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन लोशन। टोनिंग के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, पर ये सनस्क्रीन एक मॉइस्चराइजिंग बेस्ड सनस्क्रीन है, इसलिए मैंने अलग से कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया है। मैं सिर्फ सनस्क्रीन ही अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस में। फेस के साथ साथ मैं नेक में भी सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी, देन मैं इसे 5 मिनट के लिए एब्जॉर्ब होने दूँगी, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगी। सनस्क्रीन के बाद गाइज मैं अभी यूज़ करूँगी लॉरियल का बेस मैजिक स्मूदिंग प्राइमर। प्राइमर मैंने इतना सा ही लिया है, क्योंकि इतना ही आपके फेस के लिए काफ़ी है। ज़्यादा लेने से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, आपके प्रोडक्ट ही वेस्ट होगा। गाइज, फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए प्राइमर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमर स्किन सर्फेस को स्मूथ बनाता है और आपके फाउंडेशन को फुल डे फेस में लॉक रखते हैं। तो प्राइमर को मैं अच्छी तरह से अपने फेस में अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो, और फेस के साथ साथ मैं इसे अपने नेक में भी अप्लाई करूँगी, ताकि जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँ तब वो इजीली ब्लेंड हो जाए अच्छी तरह से। आप
आपको तो पता ही है कि मैं फाउंडेशन की जगह यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ट्रू मैच बीबी क्रीम। मुझे लाइट कवरेज चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने हाथ में पहले ले लिया, देन उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने फेस में अप्लाई करूँगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे लाइट कवरेज चाहिए, तो मैं इसे अपने फिंगर्स के हेल्प से, यानी कि मैं अपने हाथ के हेल्प से इसे अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से। अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आपको एक ब्रश के हेल्प से इसे अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको हैवी लुक चाहिए तो आपको एक स्पंज के हेल्प से इसे अप्लाई करना पड़ेगा। फाउंडेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फेस में ब्लेंड करना पड़ेगा, प्रॉपरली ब्लेंड करना पड़ेगा ताकि कहीं भी फाउंडेशन छूट ना जाए। आपके नेक में भी इवनली ब्लेंड करना होगा ताकि फेस एकदम भी आर्टिफिशियल ना लगे। आप देख सकते हो कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर रही हूँ, इवनली ब्लेंड कर रही हूँ मैं इसे। फाउंडेशन के बाद अभी मैं अप्लाई करूंगी कलर बार का ट्रांसलूसेंट पाउडर, इसे मेकअप सेटिंग पाउडर भी बोला जाता है। अभी मैं एक ब्रश के हेल्प से ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर मेकअप सेटिंग पाउडर को अपने फेस और नेक में अच्छी तरह से अप्लाई करूंगी ताकि फाउंडेशन मेरे फेस में अच्छी तरह से सेट हो जाए और मेरे फेस एकदम ऑयल फ्री रहे। सो गाइज, मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हो कि इतना अच्छा से ब्लेंड हुआ है ये, और कितना अच्छा लग रहा है, एकदम भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है, नेचुरल फ्लॉलेस लुक दे रहा है। अगर आप लोग भी मेरी तरह ये स्टेप्स फॉलो करके फाउंडेशन अप्लाई किया तो आपका भी स्किन इतना ही फ्लॉलेस लगेगा, नेचुरल लुक देगा और एकदम भी आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, और आपका फाउंडेशन बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्ट भी करेगा। और एक बात मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो फाउंडेशन खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं और ऐसे ही फाउंडेशन लेके चले आते हैं, पर नो गाइस, दिस इज रॉन्ग। आप लोग को पहले अपना स्किन टाइप देखना होगा, उसके बाद आपको फाउंडेशन खरीदना होगा, क्योंकि ऑयली स्किन में जो फाउंडेशन जाता है वो ड्राई स्किन में नहीं जाता है, और जो ड्राई स्किन में जाता है वो ऑयली स्किन में नहीं जाता है, तो इस बात का ध्यान आप लोग को रखना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि फाउंडेशन का कलर आपके स्किन टोन से मैच हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना होगा, क्योंकि किसी को अगर डार्क कम्प्लेक्शन है उनको लाइट शेड वाला फाउंडेशन नहीं चलेगा, किसी को अगर लाइट कम्प्लेक्शन है उनको डार्क शेड वाला फाउंडेशन नहीं चलेगा। सो ये बात भी आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका फाउंडेशन आपके स्किन टोन से मैच नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत। ये बीबी क्रीम मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये फाउंडेशन जैसे ही कवरेज देता है, और जैसे कि मुझे मेरा स्किन टाइप ऑयली एंड कम्बिनेशन है, तो ये ऑयली एंड कम्बिनेशन स्किन के लिए एकदम परफेक्ट बीबी क्रीम है। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए, और इस कमेंट्स करके बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दबा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।